स्वागत है आपका एनके क्लासेस में। आज हम क्लास नाइन्थ की साइंस का चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने चैप्टर 10 तक सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस कर लिए, तो आप प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म वर्क, राइट इट्स एसआई यूनिट। सो वर्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगता है और उस फोर्स के कारण बॉडी मूव करती है, कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो बोल सकते हैं कि बॉडी पे वर्क हुआ है। और वर्क कैसे निकाल सकते हैं, जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एवर ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। सो न्यूटन मीटर, तो न्यूटन और मीटर को क्या बोल सकते हैं, जूल बोल सकते हैं। तो द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज द जूल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं काई से, जे से। मूव टू सेकंड क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 meters अंडर एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 m/s². कैलकुलेट द वर्क डन। सो अभी अपन ने देखा वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो है वो कैसे कैलकुलेट हो सकता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के, ए फिजिकल्स टू एम ए। सो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मास फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। सो फोर्स इजिकल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारा 10 गिवन है, एक्सेलरेशन हमारा 5 गिवन है। सो फोर्स कितना आ जाएगा, 50 newtons। नाउ वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स हमारे पास 50 newtons है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 2 meters है। सो 50 × 2 जो कि आ जाएगा 100, और यूनिट की आ जाएगी जूल, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जे से। मूव टू थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म एनर्जी, इज एनर्जी ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। सो एनर्जी क्या होती है, कोई भी एबिलिटी होती है वर्क करने के लिए या कैपेसिटी, उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अब जो एनर्जी होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब कि एनर्जी ऐसी क्वांटिटी है जिसको सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए एक्सप्लेनेशन के लिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो वो क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी हो जाती है, स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। मूव टू फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कि कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। सो द एनर्जी पजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी बॉडी मोशन में रहेगी तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि जब भी गन से बुलेट फायर होती है तो जो बुलेट के पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन। मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कि जो कि हमें किस से मिलती है, पोजीशन से मिलती है। मींस अगर मान लीजिए कि किसी हाइट पे एक स्टोन रखा हुआ है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और कितनी होगी, mgh होगी। सो द एनर्जी पजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ए बॉल लाइंग ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। मूव टू सिक्स क्वेश्चन, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, कि जो एनर्जी है वो ना तो बनती है ना तो क्या होती है, वो डिस्ट्रॉय होती है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। जैसे हमने मोमेंटम पढ़ा था वैसे ही क्या होता है, एनर्जी होती है। सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी में, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काय में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द टर्म पावर। सो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या हम इसको बोल सकते हैं वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो उसको हम क्या टर्म देते हैं, पावर कहते हैं। वो जो पावर की यूनिट होती है वो क्या होती है, वॉट। सो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क
इफ ए बॉडी वर्क w इन टाइम t, देन इट्स पावर इज गिवन बाय पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम. द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.